सुंदरी एकेडमी, मेरा नाम जकाउल्ला। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स के बारे में, ठीक है। इनवर्स के मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, आप लोग उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। मेरे पिछले वीडियोस को जाके देखो, पहला वॉच करो, जब तक कि पहला वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे जब तक ये वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। क्योंकि पूरा अनुभव जो अपना रहता है, आगे के चैप्टर्स हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो बेस के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना अपना बेस मजबूत रहेगा उसके ऊपर अपन उतना लोड डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? इनवर्स क्या बोल रहा क्वेश्चन? फाइंड द इनवर्स, क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है ऑफ अ, ये मैट्रिक्स दिया है, कितने इसमें कितने ऑर्डर दिया हुआ है? 3×3, यानी कि रो कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। कॉलम कितना दिया हुआ है? 3 दिया। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया? 3×3 के फॉर्म में बन गया बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, रो से तो मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक काम करते हैं, इसको रो की जगह पे मैं कॉलम के तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रोग से इससे पहले काफ़ी वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। अब ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री को, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो मेथड, एक रो मेथड था, एक कॉलम मेथड था, बराबर। अभी मैं कराने वाला ये क्वेश्चन को कॉलम से कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर सवाल में बोला, मैं बार बार आप लोग को एक ही चीज़ बोल रहा, अगर सवाल में बोला है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो तो आप लोग को कॉलम ही करना है, रो नहीं कर सकते। अगर सवाल में बोला है रो करो तो रो ही कर सकते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कुछ भी नहीं बोला है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड एज योर चॉइस, आप चाहे रो करो चाहे कॉलम करो। अगर सवाल में बोला फाइंड द इनवर्स तो आप कोई भी लगा सकते हैं, चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो या एडजॉइन मेथड लगा दो, एज योर चॉइस। अगर कमांड दिया हो तो उस कमांड के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अभी सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। किसकी? किसके थ्रू? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें क्या वेरीफाई करना पड़ता है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नहीं है। वो कैसे पता चलता है? इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने पे अगर जीरो आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ? डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। देखो इधर मैं डिटरमिनेंट इधर निकाल लेता हूँ, मॉड ऑफ ए इज इक्वल, इसका भी निकाल लेते हैं मॉड, मॉड ये क्या हो जाएगा? 3, 2, 6, 1, 1, 2, और ये क्या हो जाएगा? 2, 2, 5, क्लियर है ये? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये तो हो गया अपना 3×3 का डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहला 3 यहाँ पे लिखूंगा मैं, समझ में आ रहा है? ये कॉलम और ये रो को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। बचेगा क्या? देखो ये रो चले गया, ये अगर ये सेलेक्ट करें तो इसका कॉलम और इसका रो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट कर देंगे। बचेगा क्या? इसको डिटरमिनेंट में आप लोग को ऐसा लिखना है, क्या है? 1, 2, 2, 5, क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर ये +2 है तो -2 लिखना है, अगर ये -2 है तो +2 लिखना है, खाली ये बीच वाले नंबर की जगह पे। समझ में आ रहा है? अभी ये इसका, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये अगर कॉलम गया, ये कॉलम चले जाएगा, ये रो चले जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? 1, 2, 2, 5। तो इसको डिटरमिनेंट में लिखेगा 1, 2, 2, 5, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करना अपने को? +6 लिखा, +6 का +6 लिखा, ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा क्या? 1, 2, 1, 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ? 1, 2, 1, 2, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? मैं पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, फिर इसको मिटा के वापस से मैं सॉल्व करूँ पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। मेन अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पहले 3×3 लिखा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तो मालूम ही आप लोग को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5×1=5, -2×2=4, ये सॉल्व हो गया। -2 का -2 लिखा, 5×1=5, -2×2=4, ये सॉल्व हो गया। प्लस का प्लस, 6×6 लिखा, 2×1=2, -2×1=2, ये आप लोग 10th में भी सॉल्व कर चुके डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा? 3×3 लिखा, 5 में से 4 गया तो क्या बचा? 1 बचा। माइनस का माइनस लिखा, 2×2 लिखा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस 6 का प्लस 6 लिखा, और ये क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। समझ में? अब इसको सॉल्व करना है हमें, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान दीजिए, 3×1=3, माइनस का माइनस लिखा, 2×1=2, प्लस 6, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है कि कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। अब 3 में से 2 का तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली अपने को? 1 मिली, मतलब मॉड ऑफ ए कितना मिला? डिटरमिनेंट कितना मिल गया? 1 मिला। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली, 1 आ गया, मतलब ये क्या है? इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।
सकते हैं। कौन से मेथड से इनवर्स फाइंड करना है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमने फाइंड करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया, तो क्या लगाते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? पहला ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, यही लगाते हैं कॉलम के लिए। रो के लिए क्या लगाते हैं? ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लगाते हैं। ये रो के लिए यूज़ करते हैं, वो कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? मेथड पूरा वही है। अब इधर ध्यान देंगे, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? ए इनवर्स का ए इनवर्स लिखा। ए अपना क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे, 312 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 312 और क्या 212 और क्या 625 ये अपना हो गया क्लियर। ठीक है, ए तो हमें क्या है, ए इनवर्स ये हो गया। अभी क्या इज इक्वल टू लिखा, आई की वैल्यू क्या होगी? 111। डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज नॉन एज यूनिट मैट्रिक्स, बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट को, ये जो मैट्रिक्स दिख रही है, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लाना है, ऐसा कुछ तो ऑपरेशन करना है। किससे करना है? कॉलम से करना है। अगर कॉलम कर रहे तो कॉलम ही करना है, रो उसके अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप, मैंने देखा अक्सर करके बच्चे लोग क्या करते हैं, रो भी लगाते हैं कॉलम भी लगाते हैं, तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले मुझे इसको क्या बनाना है, वन बनाना है। क्या बनाना है? ये थ्री को वन बनाना मेरा टारगेट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान देंगे, ये सी वन है, ये सी टू है, ये सी थ्री है। सी वन मतलब क्या? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर लिख रहा हूँ, सी वन में मैं काम करूँगा, कैसा काम करूँगा? सी वन माइनस सी टू। समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सी वन, देखो तीन में से दो चले गए तो कितना बच जाएगा? एक बच जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर देखो, पहले अपन क्या लिख रहा हूँ मैं, ऐसा फॉर्मेट में मैं पहले लिख देता हूँ ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा इधर इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा सी वन में मैं काम कर रहा हूँ तो सी टू और सी थ्री क्या रहेगा? सेम रहेगा। सी वन में अगर काम कर रहा हूँ तो सी टू और सी थ्री क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 212 और ये क्या हो जाएगा 625, ये क्या हो जाएगा 010, ये क्या हो जाएगा 001। मुझे सी वन में काम करना है, सी वन माइनस सी टू करना है। अगर देखो तीन में से दो गए तो कितना बचेगा? एक बचेगा। फिर एक में से एक गया तो कितना बचा? जीरो बचा। आप लोगों को सी वन की वैल्यू पुट करना है और सी टू की वैल्यू पुट करके यहाँ पर रिजल्ट लिखना है। दो में से दो गए तो कितना बचेगा? जीरो बचेगा। इसी तरीके से एक में से जीरो गए तो कितना बचेगा? एक बचेगा। जीरो में से एक जाएगा तो माइनस वन बचेगा। जीरो में से जीरो गए तो कितना बचेगा? जीरो बचेगा। देखो अपना ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया। अभी अपना मकसद क्या है, या तो इसको जीरो बनाओ या तो इसको जीरो बनाओ। ठीक है, ये अपने ऊपर है। तो चलो मैं नीचे वाले को जीरो बना रहा हूँ। ये कैसा जीरो बनेगा? अगर मैं इसको ध्यान देंगे, अगर मैं सी टू को फाइव से मल्टीप्लाई करता हूँ और सी थ्री को टू से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो इधर क्या टू है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कोएफिशिएंट। देखो ना, 2 5 10, 5 2 10, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी टू में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ? 5 C2 5 C2, यानी सी टू को, यानी कॉलम टू को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, सी थ्री को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? सी थ्री को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये 2 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 5 10, और ये 5 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2 5 10। समझ में, दोनों 10 होगा, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इधर मैं क्या, सी टू में काम कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू, सी टू में काम कर रहा हूँ तो ये क्या होगा? सी टू में काम कर रहा हूँ तो सी वन और सी थ्री क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब इधर ध्यान देंगे, अब ये हो गया, क्लियर हो गया अपना पॉइंट। सी टू में काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 100 और ये क्या हो जाएगा? 625। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा? 001। क्लियर है? अच्छा, अब इसको मैं कह, सी टू को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, सी थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक करना है। सी टू की वैल्यू कितनी है? 2 है। उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया। चलो ठीक है, 10 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 6 है। 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इधर लिख दूंगा मैं -2 लिख दूंगा। क्लियर है पॉइंट? अभी इधर ध्यान देंगे, सी टू की वैल्यू 1 है, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 1 5, माइनस सी टू, सी थ्री की वैल्यू 2 है तो 2 2 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अभी
टू, ये इधर टू था, इसको फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या यार फाइव टू जै टेन माइनस ये फाइव है, सी थ्री की वैल्यू फाइव है और ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना है टू से, तो टू फाइव जै टेन, टेन में से टेन गए तो कितना बचेगा जीरो बचेगा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब इसमें भी ये अप्लाई करेंगे अपन, सी टू की वैल्यू कितनी है जीरो है, सी टू की वैल्यू कितनी है जीरो है माइनस, और सी थ्री की वैल्यू भी कितनी है जीरो है, दोनों को सब्ट्रैक करेंगे जीरो में से जीरो गए तो कितना बचेगा जीरो बचेगा। फिर C2 की वैल्यू 1 है यानी कि 5 का 5, C3 की वैल्यू 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर C2 की वैल्यू कितनी है 0 है, ये 0 हो गया माइनस का माइनस, और C3 की वैल्यू 1 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, ये माइनस का माइनस। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अभी मेरे पास क्या बच रहा है, ये 1 हो गया, ये 0 बनाना है, ये वाले टर्म को क्या बनाना है जीरो बनाना है ये वाले टर्म को। तो मैं क्या कर रहा था, ध्यान देंगे, ये माइनस टू है, अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करता हूँ और दोनों को ऐड कर दूँगा तो क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी टू में मैं काम करूँगा, किस में काम करूँगा, करूँगा तो सी टू में काम, देखो क्या कर रहा हूँ, सी टू में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, अगर टू सी वन, सी वन को अगर दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सी टू की वैल्यू क्या कर देता, ऐड कर देता, तो ये क्या बन जाएगा जीरो, टू वन जै टू प्लस टू। समझ में आ रहा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ दोनों तरीके से लिखा जाता है, टू सी वन ये भी तरीका राइट है, कितने लोग ऐसा लिखते हैं सी टू प्लस टू सी वन। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, बस वो ऑपरेशन अपने को करके जीरो लेके आना है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू, C2 में काम कर रहा हूँ तो C1 और C3 क्या रहेगा सेम रहेगा, C2 में काम कर रहा मतलब ये C2 है तो C1 और C3 क्या रहेगा सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 100625 और ये क्या हो जाएगा 1-1 0001। क्लियर हो गया, अभी इधर ध्यान देंगे, C2 की वैल्यू माइनस दो है प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 1 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जीरो लिखूँगा। C2 की वैल्यू कितनी है वन है, C1 की वैल्यू कितनी है जीरो है, टू जीरो जै जीरो, वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा वन होगा, तो यहाँ पे मैंने वन लिख दिया। अब ये दोनों ही वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो मतलब कितना जीरो। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, ये तो अपना हो गया, क्लियर हो गया, मेन टॉपिक्स आता है यहाँ पे, इसका ऑपरेशन करना अपने को। C2, C2 की वैल्यू कितनी है जीरो है प्लस C1 की वैल्यू कितनी है वन है, तो टू वन जा टू, क्लियर है। फिर C2 की वैल्यू 5 है, फिर प्लस C1 की वैल्यू कितनी है माइनस वन है। समझ में आ रहा है, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस वन, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, C2 की वैल्यू 5 है प्लस का प्लस, ये 2 का 2 लिखा, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस वन है, तो ये माइनस वन का माइनस वन लिख दिया। अब ये 5 का 5 प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 वन सा 2, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे आप लोग 3 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद ध्यान देंगे, C2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है, तो माइनस 2 लिखूंगा, प्लस का प्लस लिखा, 2 का 2 लिखा, C1 की वैल्यू कितनी है जीरो है, तो ये जीरो से ये क्या हो जाएगा माइनस 2, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया माइनस 2 आ गया। इतना समझा, अब अपना मेन टॉपिक क्या है, इसको जीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। इसके भी दो तरीके, इधर ध्यान देंगे, ये तो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, अब इसको जीरो बना, इसको क्या बनाना है जीरो बनाना है ये एलिमेंट को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, C3 में काम करूँगा, किस तरीके से काम करूँगा, अगर मैं C1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, C1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 1 6 माइनस C3, अरे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 6 से माइनस होगा, तभी तो जीरो होगा ना, समझ में आ रहा है। तो आप लोग को इधर ध्यान देना है, पहली चीज़ ये तो हो गया, अब C3 में काम कर रहे हो तो पहला फॉर्मेट में मुझे लिखना पड़ेगा, A इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, C3 में काम कर रहे हो तो C1 और C2 सेम रहेगा, तो 100010। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 1-10, ये क्या हो जाएगा 2-3-2। ठीक है, इतना होने के बाद C3 में हमको काम करना है, कैसा काम करना है, 6C1-C3। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, C1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस C3 की वैल्यू कितनी है 6 से, तो 6 1 6 - 6 कितना हो जाएगा जीरो, C1 की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, माइनस C3 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, C1 की वैल्यू जीरो है माइनस C3 की वैल्यू कितनी है माइनस 5 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है, अब इधर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 6 1 6
माइनस सी थ्री, तो कितनी जीरो है, तो कितना हो जाएगा ये सिक्स वन जा सिक्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो सिक्स वन जा सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सी थ्री की वैल्यू कितनी है जीरो, यानी कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा। क्लियर है, सी वन की वैल्यू जीरो है, ठीक है जीरो चले गया, माइनस सी थ्री की वैल्यू कितनी वन है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, अब हमको क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। ये कैसा जीरो बनेगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ सी थ्री में काम कर रहा हूँ, वापस से दिख रहा है सी थ्री में काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँ इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं सी टू को ऐसा लिख रहा हूँ, सी थ्री, सी थ्री में प्लस कर देता हूँ क्या टू सी टू, देखो C3 की वैल्यू माइनस दो है और C2 की वैल्यू वन है, इन दोनों को मैं इसको दो से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करूँ तो प्लस माइनस हो के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं C3 में काम कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, दिख रहा है, ठीक है C3 में काम कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स, C3 में काम कर रहा हूँ तो C1 और C2 क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको पहले लिख देता हूँ वन जीरो 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 वन जीरो, ठीक है ये इसको हो गया, और ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, और ये क्या हो जाएगा टू थ्री माइनस टू। सी थ्री में काम करो, कैसा काम करना है, सी थ्री में सी टू को दो से मल्टीप्लाई करके, सी टू को दो से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है सी थ्री में। अभी इधर ध्यान दें, सी थ्री की वैल्यू कितनी है जीरो है, जीरो हो गया, प्लस सी टू की वैल्यू कितनी है जीरो, तो क्या जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सी थ्री की वैल्यू कितनी है माइनस टू है, प्लस सी टू की वैल्यू कितनी है वन है, इसको टू से मल्टीप्लाई करो तो टू वन जा टू, प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे, C3 की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव है, C2 की वैल्यू कितनी है जीरो है, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस फाइव आ जाएगा। क्लियर हो गया, अब इसमें अप्लाई करेंगे, C3 की वैल्यू कितनी है अपनी छः है, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, नहीं आता तो आप लोग ऐसा सॉल्व भी कर सकते हैं, C3 की वैल्यू कितनी है सिक्स, प्लस टू का टू लिखा, C2 की वैल्यू कितनी है दो है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा टू टू जा फोर, फोर और सिक्स कितना हो जाएगा टेन, तो यहाँ पे आप लोग टेन लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर सी थ्री की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स लिखा, प्लस का प्लस लिखा, ये टू का टू लिख रहा हूँ, सी टू की वैल्यू कितनी है थ्री है, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री टू जा सिक्स, प्लस सिक्स माइनस सिक्स कैंसिल होकर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर है, फिर उसके बाद सी थ्री की वैल्यू कितनी है माइनस वन, फिर प्लस का प्लस, टू का टू लिखा, सी टू की वैल्यू कितनी है, सी टू की वैल्यू माइनस टू है, तो ये माइनस टू लिख दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस वन, टू टू ज़ा फोर, माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस फोर, और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, अभी इधर ध्यान देंगे, अभी ये वन वन सब सारे ये क्या हो गया जीरो हो गए, अब इसको हमें क्या बनाना है वन बनाना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इधर दिख रहा है मुझे इसको क्या बनाना है वन बनाना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ सी थ्री में मैं काम करूँगा, दिख रहा है सी थ्री में मैं काम करूँगा, कैसा काम करूँगा ऐसा, इसको क्या करूँ माइनस पाँच है, इसको वन बनाना है, तो माइनस पाँच से मैं क्या कर दूँ डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ सी थ्री डिवाइडेड बाय माइनस फाइव, तो सी थ्री में मैं काम करूँगा तो सी वन, समझ में आ रहा है, सी वन और सी टू एज इट इज़ रहेगा, तो ये पहले लिख दिया मैंने ए इनवर्स, ए इनवर्स पहले फॉर्मेट में लिख देते, क्लियर है इज इक्वल टू, दिख रहा है। ठीक है, अभी ये ए इनवर्स का ए इनवर्स लिखा, C3 में काम करो तो C1 और C2 क्या रहेगा सेम रहेगा, तो इधर लिख दिया मैं वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो। अब इसको किससे डिवाइड करना है पहले लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन, ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा टू थ्री माइनस टू, टू थ्री माइनस टू। अब इसको क्या करना है पाँच से डिवाइड करना है, तो जीरो डिवाइडेड बाय फाइव कितना हो जाएगा, देखो दस सी थ्री डिवाइडेड बाय माइनस फाइव, तो जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फाइव कितना हो जाएगा जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फाइव कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब माइनस फाइव को क्या करेंगे माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वन आ जाएगा, इसी तरीके से इसको भी क्या करेगा फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन डिवाइडेड बाय माइनस फाइव क्या होगा माइनस टू हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फाइव कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, माइनस फाइव डिवाइडेड बाई माइनस फाइव कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। अभी देखो ये क्या बन गई यूनिट मैट्रिक्स बन गई, जैसे यूनिट मैट्रिक्स बनती है तो इसको क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को ए इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो टू थ्री माइनस टू माइनस टू जीरो वन। क्लियर है, ये अपने को क्या मिल गया ए इनवर्स मिल गया।
अब तक हम लोग ने पूरा पढ़ चुके कौन से मेथड से कर रहे थे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको कैसा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसको पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, ये वीडियो को देखने से पहले मेरे जाके बेसिक कॉन्सेप्ट देखो कैसा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या था, मैंने आप लोग को पूरा ए टू जेड डिटेल बना के दिया हूँ। लिखने से पहले आप लोग अगर मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो तो पहले एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, उसको सॉल्व करो। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करो, अगर नहीं आता तो मेरा नंबर ले सकते हैं आप लोग। मेरा नंबर है 9082248639, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, आप लोग कभी भी कॉल करो, मैं आप लोग को आपके जवाब का फीडबैक दूंगा, ठीक है। नहीं होता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो या तो मुझे व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप भी हमें सपोर्ट करो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कुछ चैप्टर्स आप लोगों को नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।